हम सब आपका स्वागत करते हैं आईएमटी गाजियाबाद के प्रांगण में, जहां हम एकत्रित हुए हैं भारत की स्वाधीनता का ये समारोह मनाने के लिए। आज के इस सम्मेलन में शुरुआत करेंगे झंडोत्तोलन से, जिसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। उसके बाद हमने एक पैनल चर्चा का आयोजन किया है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री एनएल अनुजा से अनुग्रह करती हूँ कि वो आके वो झंडा फहरा के आज के आयोजन की शुरुआत करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि से एक बार फिर अनुग्रह करूंगी कि वो यहाँ एकत्रित सभा को संबोधित करें। मेरे आईएमटी के प्रोफेसर साथियों, हमारे साथ काम करने वाले ऑफिस के स्टाफ, दूसरे कर्मचारी और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको भारत के 66 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे होने पर और 67th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गर्वपूर्ण दिन है, जब हम स्वतंत्रता का महसूस कर सकते हैं। मैं, आप और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पर पैदा हुए, बड़े हुए, जब हमने वो स्वतंत्रता का संग्राम नहीं देखा, पर उसका फल, उसका फ्रूट हम आज देख रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये समय है खुशी का, साथ ही साथ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का धन्यवाद करने का, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग करके, जिन्होंने अपनी खुशियों का बलिदान करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिंदगी में है, जो एक देश को ऊपर ले जाती है, जो हमें दूसरों से ऊपर ले जाती है, वो कि उन सब ने अपने से आगे अपने देश को रखा, अपनी भलाई, अपनी खुशियों के सामने उन्होंने सोसाइटी की जरूरतों को, सोसाइटी की खुशियों को सामने रखा, तभी हम ये आज का दिन देख पा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने ऐलान कर दिया
अंग्रेजों के राज का जमाना था, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। ऐसे टाइम में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी हिम्मत चाहिए होगी ये ऐलान करने के लिए कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक सेना तक खड़ी कर दी, इंडियन नेशनल आर्मी की जरूरत पड़ी तो बाय फोर्स हम इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की जो आग थी, स्वतंत्रता की जो डिमांड थी, उसको लीड किया और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और तमाम ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी करके हमें आज का ये दिन देखने का सौभाग्य दिया है कि हम अपनी कंट्री में इंडिपेंडेंट राज चला सकते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, काम आसान नहीं था। 100 करोड़ की आबादी को लेकर चलना, जिस पर 350 साल विदेशी राज्य रहा हो और चारों तरफ चुनौतियों के अलावा कुछ नजर न आए, इन 6-7 दशकों में जो हमने कब कर दिखाया है वो किसी अचंभे से कम नहीं है। प्रोग्रेस की है, इतनी प्रोग्रेस की है हमारी इंडस्ट्रीज ने, एग्रीकल्चर ने, एजुकेशन सेक्टर ने, सोशल सेक्टर ने, कि आज भारत दुनिया भर के पहले नंबर के 10 देशों में गिना जा रहा है। इंडियन इकॉनमी इज अमंग द टॉप 10 इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये टाइम है कि हम धन्यवाद करें जो हमारे विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट रहे हैं, जो ऑफिस के कार्यकारी रहे हैं। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं सर जमशेद जी टाटा जी का, जिन्होंने सबसे पहले स्टील की फैक्ट्री लगाई। एक बड़ी अचंभे की बात और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको सुनाऊं कि जब 1904-5 में सर जमशेद जी टाटा बिहार में जमशेदपुर में स्टील लगाने की बात सोच रहे थे तो अंग्रेज इस बात पे बहुत हंसे कि भारत स्टील बनाएगा, क्या मजाक करते हो। उस टाइम के जो वाइस राय थे उन्होंने यहां तक अलाउ कर दिया कि अगर भारत 1 किलो भी स्टील बनाएगा तो मैं उस सारी स्टील को खा जाऊंगा। अगर आज वो जिंदा होते तो देखते कि इंडिया ने 77 मिलियन टन एक वर्ष में स्टील पैदावार किया है। और जो इंडियन दिमाग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, उसका तो सारे जहान में बोलबाला है। जो संसार की सबसे बड़ी एरोनॉटिकल स्पेस सोसाइटी है उसमें बहुत सारे इंडियंस का योगदान है। जो सिलिकॉन वैली के नाम से अमेरिका में जगह मशहूर है, जहां पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती हैं, वहां पर बहुत सारी कंपनियों में 40% तक इंडियंस काम कर रहे हैं और वो अपना योगदान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस सब का मतलब ये नहीं है कि हमारी चुनौतियां खत्म हो गई हैं। हालांकि GDP के हिसाब से देखें तो इंडिया टॉप के 10 कंट्रीज में आता है, पर अगर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो हमारा देश अभी भी 140-141वां देश है। तो आप समझ सकते हैं कि हम सब को मिलकर कितना बड़ा चैलेंज निभाना है, और तब तक चैन की साथ नहीं लेनी जब तक कि 141वां नंबर पहले 10 नंबरों में ना आ जाए। तो स्वतंत्रता का गर्व है, स्वतंत्रता के साथ दुनिया में कोई भी ऐसी पावर नहीं है।